नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन व्यवसाय का। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही चॉकलेटी चॉकलेटी सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक, वो भी कप में और माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में झटपट से बन जाएगा, बहुत मिनटों में ये रेसिपी बन जाती है। कभी कभी बच्चे ना ज़िद कर लेते हैं कि हमें चॉकलेट केक खाना है या कुछ चॉकलेटी चॉकलेटी खाना है, और कई बार हमारा भी कुछ मन होता है कि कोई स्वीट डिश ऐसी जो 3-4 मिनट में बनके तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चॉकलेट केक, वो भी कप में। अगर आपके पास ऐसा कप नहीं है तो आप कोई भी माइक्रोवेव सेफ बर्तन यहाँ पे ले सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी बाउल ले, और या फिर कोई भी और बर्तन जो आपके घर में अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव सेफ कप लिया है, और इसमें मैंने डाला है सबसे पहले 1 कप मैदा, 3/4 कप मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी डाली है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 कप कोको पाउडर डाला है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 कप दूध। ये नॉर्मल टेम्परेचर का है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 1/2 कप ऑयल, आप चाहें तो यहाँ पे बटर भी ले सकते हैं मेल्ट करके। और अब हम इनको कर देंगे बस मिक्स मिक्स मिक्स। ना इसमें हमने बेकिंग पाउडर डालना है ना बेकिंग सोडा डालना है। आपको कोई 3-4 बर्तन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको तीन पहले छानो बनाओ। आप सीधा डायरेक्ट जिस बर्तन में बना रहे हैं उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स लीजिए और उनको अच्छे से मिक्स 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 कर दीजिए, जब तक कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। और अब हम इसको कर लेंगे 2 मिनट के लिए बेक। सिर्फ हमें माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए बेक करना है और हमारा तैयार हो जाएगा बहुत ही चॉकलेटी सा केक। इसमें कोई भी सोडा नहीं चाहिए, बेकिंग पाउडर नहीं चाहिए, कोई भी बाहर का इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए। आपके घर में जो भी सामान है आप उसे डालें और मिला लें। तो आप जिस नाप की कटोरी से या कप से मैदा ले रहे हैं सेम उसी के नाप से आप बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स लें, और आपका केक 2 मिनट में बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती, लेकिन ये केक 2 मिनट में बन जाएगा। और अपने बच्चों के साथ, अपने घर में सबके साथ इसे शेयर कीजिए, और चाहें तो शेयर ना भी कीजिए। अगर आपका मन है तो खाली आप भी खा सकते हैं, क्योंकि जब इतनी चॉकलेटी सी चीज़ बनी होती है ना तो उसे शेयर करने का कम ही मन करता है। तो आपकी नाइट की क्रेविंग्स के लिए, या फिर आपके घर में जब भी कुछ चॉकलेटी सा अच्छा सा खाने का मन करे, तो आप इस चॉकलेट केक को बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। हमारा कितना अच्छा टेक्सचर आया है आप इसे देख लीजिए, 2 मिनट में कितने अच्छे से पककर तैयार हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पंज नहीं होता है, जैसे हमारी ब्राउनी होती है थोड़ी सी गुई गुई, उस टाइप का ये बनके तैयार होता है। आप चाहें तो इस पर आइसक्रीम डालकर भी खाइए, गरम गरम केक के साथ ठंडी ठंडी आइसक्रीम बहुत टेस्टी लगती है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका 2 मिनट में केक कैसे बना और आपके घर में सबको कैसे अच्छा लगा। इसी तरीके की इजी टू मेक रेसिपीज लेकर मैं आपके साथ आती रहूँगी, आपसे मिलती रहूँगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और हमारी रेसिपीज़ को अगर आपको पसंद आ रही हैं तो अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। और हमारे चैनल को देखने के लिए और हमें सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी के साथ फिर दोबारा से।